अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आप W3 स्कूल को ऑफलाइन वर्जन में डाउनलोड कहां से करेंगे। तो ये मैंने बहुत मुश्किल से ये ढूंढा हुआ है। आपको W3 स्कूल के और बहुत सारे ऑफलाइन वर्जन मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको जो उसमें प्रोग्राम जो पड़े हुए हैं यानी वो जो है आपको ओल्ड वर्जन में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2019 वर्जन में ढूंढा हुआ है। आपको जो है इसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद होगी जो आपको इस टाइम आपका जो ऑनलाइन भी ये W3 स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, फुल वर्जन वाला यानी कि जिसके अंदर सारे फीचर हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपने W3 स्कूल जो है फुल वर्जन में आपने डाउनलोड कैसे करना है ऑफलाइन के अंदर। तो ऑफलाइन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप डाउनलोड करके रख लें, आप वेबसाइट बनाने में या जो भी आप जिस चीज़ के बारे में भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अंदर हर चीज़ आपको मिल जाएगी टेस्ट करने के लिए। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जाना है एक वेबसाइट पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट लिख दी मैंने। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का बटन मिलेगा। तो आपने प्ले स्टोर पे लेके आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ढूंढना है, ये रहा W3 स्कूल ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये ओपन हो गई और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन यहाँ पे और कलर का है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे ये एक ऐड फ्लाई का एक ऐड आएगा 5 सेकंड का। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्किप ऐड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारी यहाँ पे वेबसाइट आ गई। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है W3 स्कूल। तो ये बिल्कुल इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे 225 MB की आप डाउनलोड वे पे क्लिक करें और आपके पास ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डाउनलोड नहीं करता, मेरे पास पहले से पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे ये कॉपी होगी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसको जब भी यूज़ करें इसको एक्सट्रैक्ट करके करें। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ये ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है और इसको जो है कट करके इसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है और इसके अंदर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जिप के अंदर ही आप इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी फाइलें फिर मिस कर जाएगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट हर करके अगर यूज़ करेंगे तो आपको ये सारे का सारा जो डाटा प्रोवाइड करेगी जो इस टाइम आपको ऑनलाइन में मिलेगा, ऑनलाइन W3 स्कूल की वेबसाइट पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते इसके एक्सट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ। ये मेरा इंटरनेट बंद हो गया, मैं अब इसको ओपन करके इंडेक्स वाले पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। ये बगैर इंटरनेट के मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ आपको कि ये वेबसाइट है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट नहीं है, मैं जिस भी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा नहीं है, पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये प्रॉपरली वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं HTML में चला जाता हूँ और यहाँ पे ये सारे टैग और ये सारा कुछ इसका आ गया। तो आप देखें यहाँ पे कितने सारे इसका जो है इसमें आपको जो है न्यू चीज़ें जितनी भी प्रोवाइड की गई हैं सारी की सारी इस वेबसाइट के अंदर हैं।
तो आपने इसको इस तरह से डाउनलोड करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।